Assalamu alaikum students, welcome to Everglades Academy official YouTube channel. Today we will discuss how you can change your Nust NET test date, in what scenarios you can apply for the change of your Nust NET test date. So this video is very important, so isliye aap logo ne isko end tak carefully dekhna hai taki hum samajh saken ki kin scenarios ke andar aap log jo hai wo apply kar sakte hain apni Nust NET test ki date जो आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट की होती है उसको चेंज करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें. तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे आप लोगों के मेरे पास जो मैसेजेस हैं वो हमारे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है everglades.academy.pk के उसके ऊपर भी आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मुझे मिल रहे थे कि सर हमारी जो डेट है वो मिस्टेकनली गलत सिलेक्ट हो गई है, या उस डेट को हमारा कोई प्रैक्टिकल है या कोई कॉलेज में पेपर है या फिर घर में कोई इशू है, और भी बहुत सारी रीजनस दी हुई थी और बड़ी फनी भी समटाइम रीज़न आप लोगों ने दी हुई थी. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि आप लोगों की जो एक्सेप्टेंस है कि डेट चेंज की, वो सिर्फ सीवियर केसेस के अंदर ही होती है. ऐसे नहीं होता कि जी आप कहें कि आप उनको लिख रहे होंगे सर आई हैव नो प्रिपरेशन फॉर द नस्ट एनिटी टेस्ट, सो आई वांट सम मोर डेज टू प्रिपेयर माय नस्ट एनिटी इंटेलिजेंस सेक्शन और मैथ सेक्शन और फिजिक्स सेक्शन. सो सर प्लीज बी सेंसिबल. तो आप लोगों ने इस तरह का कोई भी यानी कि कोई बात नहीं करनी. और आप लोगों ने बहुत फनी सिचुएशन भी मुझे भेजी हुई थी. मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया अभी कुछ टाइम पहले कि सर जो है हमारे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, मरी जा रहे हैं, सारे लड़के मरी जा रहे हैं और मैं जो है वो नस्ट एनिटी का टेस्ट देने जाऊंगा, सर ये क्या बात है, और ना मैं अपनी डेट चेंज करना चाहता हूँ. तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोग जो हैं अब बड़े हो जाएं और थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचें कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट, योर ट्रिप्स आर इम्पॉर्टेंट एट दैट स्टेज और योर एनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अपनी जो इम्पॉर्टेंस है उसको सेट करें, ठीक है. और जो है इस तरह की जो आप लोगों की रीजंस होती हैं कि जी फलां रिश्तेदार की हमारे जो है वो वेडिंग सेरेमनी आ रही है तो हमने वो अटेंड करने जाना है, तो इसके तो स्टूडेंट्स प्लीज अगर आप लोगों का ऐसा ही कोई इशू है तो आप लोग जिस टाइम पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं डेट, आप लोग जिस टाइम पे डेट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसी टाइम आप लोग ये चीजें अपने जहन में अंडरस्टैंड किया करें. तो जब आप लोग एक दफा सेलेक्ट कर लेंगे डेट तो उसके बाद फिर इस तरह की जो है ना रिडिकुलस किस्म की जो आप लोग स्टेटमेंट्स सेंड करते हैं तो काइंडली इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली. अच्छा, अब बात आ जाती है कि वो रियल सिनेरियोज कौन कौन से हैं. अब रियल सिनेरियोज के अंदर आ जाते हैं आप लोगों के, आप लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर इन केस के आप कह लें कि आप लोगों का कॉलेज के अंदर कोई प्रैक्टिकल है, कॉलेज का पेपर आ गया या कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, तो उस केसेस के अंदर जो है आप लोग बिल्कुल आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं. और वो आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा उसका तरीकाकार. तो लेकिन स्टूडेंट्स, वो सिचुएशन रियल होनी चाहिए. अब रियल सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है, अब ये भी आप लोग जो है पूछते हैं. तो हर वो सिचुएशन जिसको आप किसी सूरत में छोड़ नहीं सकते, मींस के कोई ऐसी इमरजेंसी है कि जिसमें आपका होना वहां जाना लाजमी है, अगर आप वहां नहीं गए तो कोई बहुत ज्यादा इशू हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ हो सकती है, तो यानी कि जिसमें आपका वहां प्रेजेंट होना लाजमी है, तो उन किस्म के सिनेरियोज को आप समझ सकते हैं कि इन दैट सिनेरियोज आप अप्लाई करेंगे. और अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है मैं आप लोगों को अभी जो है उसकी डिटेल्स दिखा देता हूँ. फ्रेंड्स, आप लोग अपने सामने स्क्रीन के ऊपर नस्ट यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उसको आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है. यहाँ पर नीचे आप लोग देखें तो यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी हुई आ रही है. अब आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपली इस ईमेल आईडी पे ug@nust.edu.pk इसके ऊपर आप लोगों ने ईमेल करनी है, ठीक है. ईमेल का आप लोग जो है टाइटल जो है उसको आप लोग प्रॉपर रखें, जिस फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन ऑफ एनिटी डेट, रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एनिटी डेट और रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ड्यू टू एमरजेंसी एटसेट्रा, इस तरह का आप लोग उसका टाइटल
रखें और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उस ईमेल को शुरू कीजिए जिस तरह रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू स्टेट दैट दिस इशू अकर्स, और आप लोग सारा अपना जो मैटर है उसको आप लोग डिस्कस करें, उसके बाद रिक्वेस्ट करें और उसके बाद अपना नाम और अपना जो रोल नंबर है वो आप लोग लाजमी मैंशन करें ईमेल के अंदर। जो आप लोगों की स्लिप है वो कौन सा रोल नंबर है, क्या है, जो आप लोगों का रोल नंबर स्लिप के ऊपर होता है वो चीज़ आप लोग दें ताकि उनको पता हो कि आप लोग किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद आप उस ईमेल को सबमिट करो, ईमेल प्रोफेशनल वे में करें, ये ऐसे ना हो कि आप लोग जो है वो टाइटल के अंदर एबीसी लिख रहे हैं या एक्स वाई जी लिख रहे हैं या पापा की डॉल और ये वो अजीबो गरीब किस्म के आप लोग चीजें लिख रहे हैं उसके अंदर। तो इन चीजों से आप लोगों ने अवॉइड करनी है, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में आपने इसको ईमेल लिखनी है। और उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई प्रैक्टिकल आ रहा है उस डेट के ऊपर, तो आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप जो है कॉलेज की वो या वो आप लोग या बोर्ड की वो अटैच करें। आपका कोई मेडिकल इशू बना है तो मेडिकल की जो साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करें ईमेल के। तो अगर आप वो चीज़ें अटैच करेंगे तो उससे आप लोगों के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि आप लोगों की जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाए या अल्टरनेट डे में किसी में आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स ये था वो सिंपल सा प्रोसेस, लेकिन मैं आप लोगों को फिर कहूँगा कि आप लोगों ने जो है पहले से जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसी टाइम थोड़ा सोच समझ के देखा करें। आप लोग वेट करते रहते हैं कि डेट आगे चलती जाए आगे चलती जाए आगे चलती जाए, जब वो एंड पे जाने वाली होती है फिर आप लोग ये नहीं देखते कि उस डेट को आप अवेलेबल भी होंगे या नहीं होंगे। आप लोग सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि अब जो है टेस्ट की डेट कहाँ पहुँच गई है, इवनिंग में गई है, मॉर्निंग में, फलां जगह किस जगह पर चली गई है, कितने दिन आगे चले गए। तो स्टूडेंट इस बात का आप लोगों ने शुरू से ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स एक बात फिर मैं यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ कि ये ईमेल करने का या इस चीज़ का करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोगों को डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये सारा डिपेंड करता है एडमिशन कमेटी के ऊपर कि वो लोग आपकी रीज़न को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। डेफिनेटली जब आप लोग इस किस्म की स्टेटमेंट जो मैंने आपको पीछे बताई है रिडिकुलस किस्म की, जब आप लोग उस तरह के स्टेटमेंट देंगे फेक स्टेटमेंट्स, तो उस पर तो आप लोगों को कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी। और हमेशा जो है वो रियल सिनेरियो आप लोगों ने लिखना है, कोई भी इस किस्म की चीज़ जो है गलत आप लोगों ने वो चीज़ नहीं लिखनी उसके अंदर। रियल सिनेरियो दें, रियल सिचुएशन बताएं, तो फिर इंशाल्लाह जो है आप लोगों को जो भी रिस्पॉन्स है वो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल जाता है। जब आप मेल करेंगे आपको विद इन वन डे और टू डे के अंदर ईमेल का रिप्लाई आप लोगों को आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था प्रोसीजर, और मैं आपको फिर जो है बता दूं कि इससे जो है आप लोग जब आप अप्लाई कर देंगे तो इट डजंट मीन कि आपको जो है एक्सटेंशन मिलेगी। बस आप लोगों ने फिर वेट करना है उनके रिप्लाई का कि आपको मिलती है या नहीं मिलती। और अगर जब आप रियल सिनेरियो लिखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको उनको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों ने कोई एनआईटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोगों ने कोई भी चीज़ें देखनी हो तो आप लोग ये देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप लोगों को ढेरों वीडियो मिल जाएंगी हर किस्म की। आप लोगों की जो प्रेपरेशन से रिलेटेड हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हर किस्म की वीडियो पड़ी है। ये देखें कितनी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, 150 प्लस मार्क्स आप लोगों ने कैसे लेने हैं, ये एंड पे भी मैं अभी इसका लिंक आप लोगों को दे देता हूँ, वो भी अभी आप लोग देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।